हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हिंदुस्तान ड्राइव में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे टाटा मोटर्स की कौन सी गाड़ी कुल कितनी बिकी है पिछले महीने में, और यहां पर जानेंगे हम टाटा मोटर्स की टॉप 7 सेलिंग कार्स के बारे में, और वो कौन सी गाड़ी रही है दोस्तों जिसकी सेल ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया और बहुत ज़बरदस्त वो गाड़ी इस महीने बिकी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू, और सबसे पहले जानते हैं आखिरकार टाटा मोटर्स ने पिछले महीने कुल कितनी गाड़ियां बेची है। टाटा मोटर्स ने कुल गाड़ियां बेची है दोस्तों पिछले महीने 45,515 यूनिट, 45,515 यूनिट। टाटा मोटर्स ने हाल ही में टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है, जो कि इस महीने लॉन्च किया गया है। पिछले महीने तक उसका पुराना वर्जन ही बिक रहा था, जिसकी वजह से टाटा नेक्सॉन की बिक्री काफी ज्यादा गिरी है। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले टाटा मोटर्स की सबसे कम बिकने वाली गाड़ी टाटा सफारी की, जो कि पिछले महीने कुल बिकी है 1019 यूनिट। इसकी सेल काफी ज्यादा गिर गई है दोस्तों, और अगर हम इसकी जुलाई की बात करें तो जुलाई में ये गाड़ी कुल बिकी थी 1687 यूनिट, 1687 यूनिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 700 यूनिट ये गाड़ी कम बिकी है पिछले महीने की तुलना। टाटा सफारी का बहुत जल्द फेसलिफ्ट आने वाला है, और उस वजह से भी इसकी बिक्री शायद यहाँ पर कम हुई है। नंबर 6 पर रही है दोस्तों टाटा हैरियर, जो कि कुल बिकी है दोस्तों 1689 यूनिट। और दोस्तों, अगर हम जुलाई की बात करें, जुलाई में ये गाड़ी कुल बिकी थी 2092 यूनिट, 2092 यूनिट। और यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि टाटा हैरियर की बिक्री भी यहाँ पर काफी कम हुई है पिछले महीने की तुलना में। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं, टाटा हैरियर का भी फेसलिफ्ट बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है, जिसकी वजह से इसकी बिक्री भी यहाँ पर कम हुई है, और काफी सारे लोग इनके फेसलिफ्ट का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर रही है टिगोर, जो कि कुल बिकी है, जो कि दोस्तों कुल बिकी है 2947 यूनिट, 2947 यूनिट। अगर दोस्तों हम इसकी बिक्री का कंपैरिजन जून से करें, तो जून में ये गाड़ी कुल बिकी थी 3335 यूनिट, 3335 यूनिट, और इसकी बिक्री भी यहां पर थोड़ी कम हुई है पिछले महीनों की तुलना में। वहीं दोस्तों, नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर रही है टाटा अल्ट्रोज, जो कि कुल बिकी है 7825 यूनिट, 7825 यूनिट। और पिछले दोस्तों हम जुलाई से कंपेयर करें, तो जुलाई में ये गाड़ी कुल बिकी थी 7817 यूनिट, और इसकी बिक्री यहां पर थोड़ी सी बढ़ी है, लगभग बराबर ही इसकी सेल यहां पर रही है। पहले दोस्तों अल्ट्रोज इतनी ज्यादा नहीं बिकती थी, और जब से इसका सीएनजी वर्जन मार्केट में लॉन्च किया गया है, तब से इसकी बिक्री में काफी ज्यादा उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। भारतीय कार मार्केट में इस समय सीएनजी गाड़ियों की जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर रही है टाटा टियागो, की पिछले महीने कुल बिकी है दोस्तों 9463 यूनिट, 9463 यूनिट। और दोस्तों, अगर हम पिछले महीने से इसका कंपैरिजन करें, तो पिछले महीने ये गाड़ी कुल बिकी थी 8982 यूनिट, 8982 यूनिट, और इस महीने इस गाड़ी की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ी है। टाटा टियागो बहुत जल्द 10,000 के आंकड़े को भी छू सकती है, जो कि इस गाड़ी ने आज तक कभी नहीं छुआ है। इसकी इतनी ज्यादा बिक्री के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो है दोस्तों इसका हाल ही में लॉन्च किया गया इलेक्ट्रिक वर्जन। टाटा टियागो हमें सीएनजी, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल तीनों में मिलती है, जिसकी वजह से इसकी काफी ज्यादा डिमांड मार्केट में बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अगली गाड़ी की बात करते हैं। तो अगली गाड़ी है टाटा नेक्सॉन, जो कि कुल बिकी है 8049 यूनिट, 8049 यूनिट, और जो कि पिछले महीने बिकी थी 12349 यूनिट, 12349 यूनिट। और यहां पर नेक्सॉन की बिक्री काफी ज्यादा गिरी है दोस्तों, जो कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से इसकी बिक्री काफी ज्यादा गिरी है। अब जो दोस्तों अगले महीने के जो नए आंकड़े आएंगे, उसमें इसकी सेल 15 से 16 हजार यूनिट होने की पूरी संभावना है। और टाटा नेक्सॉन काफी समय तक इंडिया की नंबर वन सेलिंग एसयूवी, और साथ ही साथ टाटा मोटर्स की भी नंबर वन सेलिंग कार बनी हुई थी, लेकिन दोस्तों इस बार बाजी पलट गई है। तो बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 की, तो नंबर 1 पर रही है टाटा पंच। टाटा पंच आमतौर पर 10 से 12,000 यूनिट बिक जाया करती थी, लेकिन पिछले महीने इसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 14523 यूनिट की इसकी बिक्री हुई है, 14523 यूनिट। ये गाड़ी आज तक कभी भी इतनी ज्यादा नहीं बिकी है। हाल ही में इसका सीएनजी वर्जन लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से इसकी बिक्री इतनी ज्यादा हुई है। अभी दोस्तों टाटा पंच का इलेक्ट्रिक वर्जन भी मार्केट में आना बाकी है, जिसके बाद इसकी बिक्री 20,000 के आंकड़े को भी छू सकती है। टाटा पंच एक 5-स्टार रेटेड गाड़ी है दोस्तों, आपको ये गाड़ी कैसी लगती है। और दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को और पर सेट कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।